तो पहला फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स जो हैं, पहला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर भी होती है, पी स्क्वेयर बाई टू एम भी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मोमेंटम अंडर रूट ऑफ टू एम इंटू के होता है। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ एच बाई पी होती है, या आज मैंने आपको लिखवाया नोट एच अपॉन अंडर रूट ऑफ टू एम के होता है, और डी ब्रॉगली की वेवलेंथ में 1.23 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी नैनोमीटर के इक्वल भी होती है, ऐसा भी किया था। ये 1.23 है, 1.23, जबकि हमने क्या किया था 12.3, ध्यान से, वो एंगस्ट्रॉम था और 1.23 नैनोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट है। अभी मैंने करवाया 1.23 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी कर देना, वी को 100 पुट कर देना, आंसर नैनो मीटर में आ जाएगा, सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ द फोटोन, क्या निकालना है, मोमेंटम पी निकालना है। एसोशिएटेड विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, मोमेंटम का फॉर्मूला देखो, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी, तो पी का फॉर्मूला क्या है, एच बाई लैम्डा। आपको इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पता है तो आप लैम्डा को पुट करें सी बाई म्यू, तो आपको फ्रीक्वेंसी पता है, एच पता है और सी पता है, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी के पता है। अब के को तुम निकाल लेना इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करके के निकाल लेना। फाइंड डी ब्रॉगली की वेवलेंथ, आज मैंने फॉर्मूला करवाया ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ टू एम इंटू के। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का, और काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, पुट करो लैम्डा। मेथड समझ में आ रहा है कि फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है। जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, तो इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो एनर्जी कितनी है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो ई इंटू वी, तो इक्वल द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5460 नैनोमीटर। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और फोटोन की वेवलेंथ बराबर है, तो नहीं, वेवलेंथ नहीं, काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो फोटोन की काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। आपको फोटोन की वेवलेंथ पता है, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है इलेक्ट्रॉन की। तो एक तरफ क्या चला रहा है, फोटोन, एक तरफ क्या चला रहा है, इलेक्ट्रॉन। वो कह रहा है फोटोन जब मूव करता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फोटोन मूव करता है, उनकी एनर्जी बराबर है, और फोटोन की एनर्जी होती क्या है, एच सी बाई लैम्डा। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होती है, देखो याद रखना, इसमें ये एनर्जी ऑफ फोटोन है और लैम्डा इसका मतलब किसकी वेवलेंथ है, फोटोन की, और हमने किसकी वेवलेंथ निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला आज मैंने करवाया आपको, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी पुट कर देंगे, फोटोन की। फोटोन की एनर्जी पुट करेंगे एच सी बाई लैम्डा, तो यहां से लैम्डा ऑफ क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये जो इसको बॉक्स में डाल लो, एनसीईआरटी के पुराने पेपर्स में, प्रीवियस ईयर में ये प्रूव करने को आ रखा है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और फोटोन की वेवलेंथ में रिलेशन के प्रूव करो। इसे न्यूमेरिकल नहीं आया हुआ, बस यहाँ तक आया हुआ है, और न्यूमेरिकल आ गया तो लैम्डा फोटोन का पुट करके आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये इंपॉर्टेंट है, उलझ जाओगे नहीं तो, कि किसका लैम्डा है, फोटोन का है कि किसका है, फोटोन का या फिर इलेक्ट्रॉन का। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो आपने इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लिखना है लैम्डा का, और काइनेटिक एनर्जी किसकी पुट करनी है, फोटोन की, अपने आप लैम्डा फोटोन का आ जाएगा। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल की जिसका ये पोटेंशियल है, तो मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट बता रखा है, ये तो बहुत लंबा किया हुआ है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको एक वेवलेंथ का आज नोट लिखवाया था, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या था, टू एम इंटू क्यू इंटू वी, ये था, क्योंकि आपके पास कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, तो तुम मास किसका पुट करोगे, अल्फा पार्टिकल का, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटोन, और चार्ज किसका पुट करोगे, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटोन ई, तो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ आ जाएगी। तो जो न्यूमेरिकल पुट करोगे, मास को 4 टाइम पुट करना प्रोटोन का मास, और चार्ज को 2 टाइम पुट करना प्रोटोन का चार्ज, तो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। इसने लंबा किया हुआ है, तुम बस ये फॉर्मूला नोट कर लो, इसी से आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। इस क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन, तो एक पार्टिकल
तीन गुना स्पीड पे मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल कौन सा है मुझे नहीं पता, पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड से उसकी स्पीड 3 times ज्यादा है। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो पार्टिकल टू दैट, नहीं द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, दोनों की वेवलेंथ की रेशियो गिवन है, बताओ ये पार्टिकल का मास क्या है और बताओ ये पार्टिकल है कौन सा। अब मुझे तो एक ही फॉर्मूला आता है लैम्डा का, एच अपॉन पी। एक बार मैंने ये फॉर्मूला पार्टिकल के लिए लगा लिया और एक बार मैंने ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए लगा लिया, और मैंने पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके रेशियो आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ। अब मुझे पता है जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो 3 times वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया, और आपको रेशियो इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल की क्वेश्चन में गिवन है, ये पुट कर दिया, रेशियो पुट कर दी, वेलोसिटी वेलोसिटी कट गई, तो आपके पास क्या आ गया, मास ऑफ पार्टिकल अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को राइट पे पुट कर दिया और सॉल्व किया तो देखा ये पार्टिकल कौन आया, प्रोटोन आ गया, तो इसका मास प्रोटोन के साथ मैच कर गया तो मास ऑफ प्रोटोन आ गया। फॉर्मूला तो एक ही आता है, लैम्डा इज एच अपॉन पी, बस इन्हें डिवाइड करके आंसर आ गया, एच अपॉन पी। उससे पीछे वाला, ये वाला यहाँ लिखा था मैंने, अच्छा मैंने ये लिखा था कि तुम ये सब स्टेप मत लो, तुम्हें अगर लैम्डा निकालना है किसका, अल्फा का, अल्फा पार्टिकल का लैम्डा निकालना है। इस क्वेश्चन में मैंने ये लिखा था लैम्डा का किसी भी पार्टिकल के लिए इन जनरल फॉर्मूला 2mq into v। तो मैंने कहा था यहाँ पर मास और चार्ज अल्फा का पुट कर देना, सीधा अल्फा की वेवलेंथ आएगी ऐसे। आज मैंने थ्योरी में प्रूव भी किया था सेम फॉर्मूला ऐसे, मतलब ये शॉर्ट फॉर्मूला है, एक मिनट में आंसर आता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसे है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ क्या, प्रोटोन। प्रोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो जिसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी वो ये बोले रेस्ट मास एनर्जी, तो रेस्ट मास एनर्जी का मतलब है कि इज इक्वल टू mc² से एनर्जी निकाल लो, कि अगर मान लो कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका मास m नॉट है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, m नॉट इंटू c², ये एनर्जी आ गई। तो जो ये एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास की, वही प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो तुमने क्या निकाल लिया, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ली, समझो यही आपकी k की वैल्यू है प्रोटॉन के लिए। वो कह रहा है प्रोटॉन की वेवलेंथ निकाल लो, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो लंबा मेथड लगा रहा है, सीधा लगाओ लैम्डा इज इक्वल टू क्या, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m into काइनेटिक एनर्जी। आज करवाया था ये फॉर्मूला भी, जब थ्योरी में नोट लिखवाया था कि अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो सीधा काइनेटिक के फॉर्म में आंसर कैसे लिखना है। तो तुम इस काइनेटिक एनर्जी को सीधा उठा के यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा डन। ये कुछ करने के पहले वेलोसिटी निकाल लो, मतलब ही नहीं वेलोसिटी निकालने की फालतू में, के पुट करो आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, क्या शॉर्टकट ले जाएंगे इसमें, एक ही तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, h by p और h by p, चौथा फॉर्मूला है ही नहीं, फॉर्मूला ये किया h by p। अब p के अलग अलग रूप हैं, कभी k की फॉर्म में, कभी qv की फॉर्म में, और कभी mv की फॉर्म में, तीन तो तरीके हैं। तो आंसर आएगा 29th का, 30th का वैसे तो आता नहीं है, और p/q मुझे पता नहीं आ जाए, NCERT में तो नहीं आता। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन लेकिन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो अब जब भी कोई पार्टिकल यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट जितना तो नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली क्लोज चला जाता है, तो उस पार्टिकल का मास चेंज हो जाता है। मास मतलब अगर वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो उसका मास m नॉट है, और पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव करता है 0.5 इनटू स्पीड ऑफ लाइट तो मास बढ़ जाता है, और उसका ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की थ्योरी है रिलेटिविटी। तो m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - v² / c², तो तुम सी वी की जगह पुट कर लो 0.5 c, और यहाँ पे वैल्यू पुट करके m की वैल्यू आ जाएगी। अब तुम क्वेश्चन सॉल्व करना, तुम्हें लैम्डा निकालना है जो कि h अपॉन p है, p इज मास इनटू वेलोसिटी है, वेलोसिटी तुम्हें पता है, मास m नॉट मत पुट करना इलेक्ट्रॉन का, नया मास पुट करना जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ पुट करके आंसर आएगा। लेकिन ये रोज नहीं लगेगा, हर न्यूमेरिकल में लगेगा, जिसमें c की फॉर्म में आपको स्पीड गिवन होगी उसमें लगेगा, ठीक। NCERT में तो नहीं लगेगा, हो सकता है नीट या मेन में कहीं पर आपको शायद ये क्वेश्चन पूछ ले, तो ऐसा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है,
फाइंड द टिपिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कब एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालो और कंपेयर करो इसे मीन सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स की, और जिसका मीन सेपरेशन ये रहा। चलो तुम मीन सेपरेशन को छोड़ो, तुम पहले लैम्डा निकाल लो 27 डिग्री सेल्सियस पे। एनसीईआरटी में मैंने इसको आता देखा नहीं आज तक, बट आप ये कह नहीं सकते कि रूल नहीं है। तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, ये देखो आपको याद होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्लस वन में किसी भी गैस के लिए रिजल्ट है कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी गैस की वो 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन टेम्परेचर होती है, और हमारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 mv² इज इक्वल टू 3/2 kT क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड से, और 2 से 2 कट गया तो m²v² का mv आ जाएगा, यानी कि p आ जाएगा, p आ गया तो यहाँ से लैम्डा आएगा। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, बॉक्स में डाल लो, अगर टेम्परेचर गिवन हो इलेक्ट्रॉन का तो ये लैम्डा का फॉर्मूला याद रखना है। टेम्परेचर की फॉर्म में ये फॉर्मूला याद रखना है। तो डायरेक्ट लगाएंगे ना, ये देखो डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे, ये देखो टेम्परेचर गिवन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, सॉल्व करके आंसर है ठीक। तो आपको एक लैम्डा की वैल्यू पता लगी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, लेकिन वो कह रहा है इसे कंपेयर करो, किससे, इस डिस्टेंस से कंपेयर करो। कंपेयर करने का मतलब रेशियो निकाल दो, तो जो तुमने लैम्डा निकाला और जो तुम्हें डिस्टेंस गिवन है इसकी रेशियो निकाल दो, कंपैरिजन हो गया आंसर आ गया। तो कंपैरिजन में कुछ नहीं करना आपको, लैम्डा को इस डिस्टेंस के साथ क्या करना है, कंपेयर करके रेशियो निकालते रहिए। आता नहीं ऐसा क्वेश्चन वैसे, पर फिर भी मेरे ख्याल से PYQ में कहीं प्रीवियस ईयर में मेंस एंड नीट में आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है इसकी। आया हुआ है इसका आंसर, आया हुआ है, आया होगा पक्का, मतलब कॉम्पिटिशन में आना चाहिए, बनता है क्वेश्चन नीट या मेंस में। तो ये क्वेश्चन सब नॉर्मल हैं, ये नहीं आएगा, इस टाइप की क्वेश्चन नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, P² अब देख लो इसमें, ऐसा कुछ नहीं आएगा बस ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपने इसको ट्राई करना है, इन क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है।